ये समंदर और ये है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोलंबस फैमिली। और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं गोवा। यस, साउथ गोवा। अब हम उतरेंगे मडगांव स्टेशन पे। फिर से हम लोग साउथ गोवा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने सारे पॉइंट्स आपके लिए कवर नहीं करे थे। इस टाइम हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार हम लोग कवर करने वाले हैं एगोंडा बीच, पालोलियम बीच, कोला बीच विद कायाकिंग, बटरफ्लाई बीच वाया ट्रैकिंग और रॉक फॉर्मेशन। तो देखते हैं इसमें से क्या क्या हम लोग कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मडगांव स्टेशन पे। बाय। सभी हम लोग मडगांव स्टेशन पहुंच गए और इधर मास्क लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर चेकिंग वगैरह है। तो अभी हम लोग पहुंच गए और अभी हम मडगांव स्टेशन, ये मडगांव स्टेशन की मेन एंट्री है और यहाँ पे सब लोग को पूछ रहे हैं यूनिवर्सल वगैरह पास का। हम लोग लास्ट टाइम यही एंट्रेंस से आए थे शायद और इधर रुके थे टैक्सी के लिए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग ने बाइक पहले ही बुक कर लिया है और निर्मिति के पापा ने उनको गूगल पे भी कर दिया है डिपॉजिट। दो स्कूटीज लिया है हमने, तो मैं एक स्कूटी लेके आई है उससे तो हम दोनों जाने वाले हैं। मेरे पापा उधर ही रुके हैं। हेलो, हम लोगों ने ऑनलाइन ही बाइक बुक किया था गोवा घूमने के लिए। तो मिस्टर युवराज करके है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। वो हमको स्टेशन को लेने के लिए आए थे और लेके हम लोग ने दो बाइक्स लिए है, एक्टिवा 5G वाले दो बाइक्स लिए है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है मिस्टर युवराज। तो अगर आपको कार या बाइक रेंट पे लेनी हो तो मडगांव स्टेशन के एकदम सामने ही है उनका, तो वो लेने आ जाएंगे आपको स्टेशन पे। और 400 पर डे स्कूटी का रेंट है। और कार का कितना है? कार का 1200 से स्टार्ट है मैडम, छोटा कार। ओके, छोटा कार रहेगा तो 1200 से स्टार्टिंग है। एक्टिवा चाहिए तो 2000 से स्टार्ट है। एक्टिवा का कितना? 2000 से स्टार्ट है। एज पर द सीजन 2000 से स्टार्ट है, एज पर सीजन रेट्स रहेंगे। फिर भी स्कूटी का 400 लास्ट है ना। चलो फिर, थैंक यू। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, युवराज करके है उनका, ठीक है, आप चेकआउट कर लें। और जब भी आप स्कूटी या कार रेंट पे ले लें तो उसका पहले एक वीडियो ज़रूर निकाले पूरा ऐसा गोल घूम के, वो उनको सेंड कर दीजिए, तो उनके पास भी प्रूफ रहेगा और हमारे पास भी। ये देखो, ये कोस्टल पार्क रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता करने वाले हैं। इडली और वड़ा मंगाया है, तो हम लोग का जब तक आ रहा है तभी आप हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, कोलंबस फैमिली @009। हम लोग का नाश्ता हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होम स्टे पे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम लोग अभी स्कूटी से आगोंडा बीच जा रहे हैं। आगोंडा बीच में हमारा रूम है। हमारा होटल का रास्ता सीधा सीधा है, हम लोग गूगल मैप के सहारे हम लोग जा रहे हैं, उसमें हम लोग ने हमारा लोकेशन डाल दिया है। तो गाइस, मडगांव से अगोंडा बीच 1 घंटे की दूरी पे है, तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। अगोंडा में आने के बाद, अगोंडा गांव में आने के बाद यहाँ पे आपको कार वॉशिंग सेंटर दिखता है और यहाँ पे ये जो वाइट बंगलो है वहाँ पे उधर उसके बाजू में ही निक्की बार रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं,
ये एक नीचे वाला जाता है अगोंडा बीच और ऊपर वाला जाता है कोला बीच। आपको स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है तो आपको कोला बीच मिल जाएगा। गाइस अभी हम लोग आ गए हमारे होम स्टे में और ये गेट है, इधर से अंदर आना है और इसका नाम है अल्फोंसो नेस्ट और इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, तब तक आप हमारा होम स्टे देखिए। किटी किटी यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ हमारा होम स्टे। ये स्टेयर्स है, यहाँ से हम लोग ऊपर आए थे। तो ये देखिए, ये स्टेयर्स से ऊपर आते ही सेकंड वाला रूम हमारा है, अल्फोंसो गेस्ट हाउस अगोंडा में। ये इनका किचन है, किचन में आपको बाद में दिखाती हूँ। ये कॉमन किचन है चार रूम के लिए, ये एक रूम है। ये देखिए, ये है हमारा रूम। ये देखो, और ये बाथरूम है और यहाँ पे एक बालकनी भी है। बाथरूम भी कितना क्लीन है। वाह, सबसे अच्छा है ना होम स्टे में ये होता है, अगर बालकनी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, हवा आती है। और ये सामने का व्यू, ये बालकनी तीनों रूम को कॉमन है। ये आपको दिखाने जा रही हूँ बाथरूम। ये देखिए बाथरूम कितना क्लीन है, एकदम साफ सुथरा है बाथरूम। और ये देखिए बाहर आते ही इस सारे रूम्स का एक कॉमन किचन है। ये डाइनिंग टेबल है, ये उनका कबर्ड है, ये फ्रिज है, वर्किंग कंडीशन में है, और ये गैस है। चाहिए तो आप अपना सुबह का नाश्ता भी बना सकते हैं यहाँ पे। किचन कॉमन है तो और गेस्ट रहेंगे तो उनके टाइमिंग के हिसाब से आपको यूज़ करने मिलेगा। ये रूम सिर्फ 850 में मिला है, ये गेस्ट हाउस, ये होम स्टे जो भी आप कह सकते, सिर्फ और सिर्फ 850 रुपीस में मिला है हमें एयरबीएनबी पे पर नाइट। इसका 11 बजे का चेक इन टाइम है और दूसरे दिन 10 बजे तक का चेकआउट टाइम है। आप थोड़ा लेट निकलना चाहते हैं तो एक दो घंटे के लिए यहाँ सामान रख के जा सकते हैं। और इधर की मेन बात बताऊँ, यहाँ से अगोंडा बीच 2 मिनट पर है। हाँ, ये मेन बात है, यहाँ से अगोंडा बीच सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, 400 मीटर्स पे है वो, सिर्फ 400 मीटर्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके ये रूम आपको कैसा लगा, और अगोंडा बीच, पालोलिम बीच, रॉक फॉर्मेशन, काबो दे रामा, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर अगोंडा में आप रहने आएंगे तो। सबसे अच्छी बात यहाँ पे वाईफाई वो भी दो, और इसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। तो मैं हूँ आपकी छोटी मोटी हस्ती चहेती ब्लॉगर निर्मिति तामाने और हम लोग अभी जा रहे हैं कोला बीच। उसके पहले हम लोग खाना खाने जाने वाले हैं। गाइस मेरे मम्मी पापा अभी तैयारी करके आ रहे हैं, मेरी तैयारी हो गई है तो मैं अभी आ गई हूँ। मेरी मम्मी आ गई है, हाय। तो आएंगे निकोबार में, जाएंगे कोला बीच, कायाकिंग करेंगे। वो आगे है मेरी मम्मी और मैं मेरे पापा के साथ बैठी हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं निक्की रेस्टोरेंट में खाना खाने और उसके बाद हम लोग जाएंगे कोला बीच, है ना पापा? हाय मम्मी, आए नहीं कर सकती। गाइस यहाँ पे ये नीचे रास्ता जाता है, वहाँ पे
अगोंडा बीच है और यहाँ पे है निक्की बार एंड रेस्टोरेंट। पे जो एगोंडा के गांव के लोकल आदमी से पापा ने पूछा कि यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट सजेस्ट किया है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी क्या है इसका टेस्ट वगैरह, प्राइसेस। ये देखिए, ये है निक्की बारन रेस्टोरेंट और हमारा खाना आ गया है। ये मम्मी ने मंगाया है फिश थाली। कितने का है फिश? 110। ये चिकन थाली है। अभी हमारा खाना काफी हो गया, खाना बहुत टेस्टी था, है ना मम्मी? और अभी हम लोग जा रहे हैं कोला बीच। ये देखिए, फाइनली रीच्ड। ये कोला बीच का पार्किंग है, यहाँ पे पार्क करके आपको जाना है नीचे। जाम भी है पार्किंग के लिए, पर सब लोग नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे रास्ता है इसलिए। ऊपर भी पार्किंग है क्योंकि यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो नीचे आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं अगर आपको आना हो तो। स्लोप्स बहुत है तो यहाँ पे आपको ध्यान से आना पड़ेगा, आप ध्यान से आइएगा। नीचे है पार्किंग के लिए इसलिए ये सब जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो पार्किंग का लॉट ऊपर था उधर से हम लोग आए तो 1 किलोमीटर है, और अगर आप स्कूटी से या फिर बाइक से आते हैं या फिर गाड़ी से आते हैं तो आपकी गाड़ी या शायद ख़राब हो सकती है, क्योंकि इधर रास्ता बहुत ऊपर नीचे और बहुत ख़राब है और इसका कलर भी रेड है। तो यहाँ पे आप, मैं तो सजेस्ट करूँगी, ऊपर एक ट्रक है, वो लोग उनका डेली का है, तो वो लोग 100 रुपीज़ पर पर्सन दे के नीचे लेके आते हैं उनको, मतलब किसी को भी नीचे लेके आते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, दैट विल बी चीपेस्ट फॉर यू एंड सेफेस्ट, सो उससे आप आ सकते हैं। तुझे डर लग रहा है, टूटेगा तुझे। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं कोला बीच, जो बहुत दिनों से हम लोग आने वाले थे यहाँ पे।
यहाँ पे देखो लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। समुंदर की लहरें देखो कितनी तेज है। यहाँ पे पानी में खेलने के लिए बहुत डेंजरस है ये थोड़ा समंदर, ये देखिए। और यहाँ की स्पेशलिटी यहाँ पे देखिए कायाकिंग, ये देखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कायाकिंग करने आते हैं, हम लोग भी कायाकिंग करने आए हैं। निर्मिति भी कायाकिंग करने वाली है, ये वाओ। लेट्स गो, पानी में से चलते ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पानी में से नहीं जाना। चलो पानी में। फाइनली हम लोग आ गए हैं वहाँ पे जहाँ हमको बहुत दिनों से आना था, बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। वो घड़ी आ गई है। समंदर के बाजू में हम लोग कायाकिंग करने वाले हैं। ये देखिए, तो ये है कोला बीच और ये हम लोग सनसेट के टाइम पे आ गए हैं। और ये उसके सामने ही है, कायाकिंग कर सकते आप। ये है बैक वाटर्स, नदी जैसा है ये। लोग कायाकिंग कर रहे थे, अब भी हम लोग ने किया यहाँ पे। ये सिर्फ आपको गोवा में कोला बीच पे ही मिलेगा ऐसा नज़ारा। ये देखिए निर्मिति के पापा, ये समंदर और ये है नदी। आप भी यहाँ आ सकते हैं, कभी आएंगे साउथ गोवा एगोंडा बीच की तरफ तो ज़रूर आइएगा। थोड़ा 1.5 किलोमीटर का खराब रास्ता है, बट इट्स वर्थ। गाइस, ये पानी बाहर जाके मिक्स हो रहा है, वो देखो। ये देखिए बैक वाटर्स का ये जो पानी है, यहाँ से जाके ऐसे समंदर में मिल जाता है। ब्यूटीफुल, ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा है। ये अंकल देखो कैसे हाथ से कर रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। मैं कर रही हूँ शूटिंग, आई कैंट रो, दिस इज रोइंग बोट देयर। तो कुछ नहीं, अरे यार क्या कर रही हूँ बोट। हाँ निकल गए, निर्मिति ने निकाल दिया फाइनली। दुनिया को बचाने के लिए निकल चुकी है निर्मिति कायाकिंग करने के लिए। कायाकिंग करके निर्मिति दुनिया को बचाएगी। अरे फिर से लेफ्ट वाला मार, लेफ्ट वाला, ठोक मत अभी उधर, ठोक मत, ठोक दिया। ओ गॉड, अभी कौन बचाएगा हमें देवा। निर्मिति अभी क्या करेंगे? हाँ ऐसा धक्का मार। और एक बार मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया है, वाह वाह। बोट पलटी हो गया तो ये देखिए टनल आ गया। ये कोई टनल वनल नहीं है, तू ठोकने वाली आगे वाली को। यस ठोक दिया। निर्मिति वहाँ तक जाएगी, वापस कैसे आएगी? कि हमारे आ गए सर्वाइवर बॉडीगार्ड। अरे यार पापा तो मस्त चला रहे थे। ये देखो निर्मिति के पापा। हाय पापा। हाय तुषार। तुषार इज डूइंग कायाकिंग ओवर हियर कोला बीच बैक वाटर्स। ये आधा घंटे के लिए आप कायाकिंग कर सकते हैं, सिर्फ 100 rupees पर पर्सन। कैसा लग रहा है आपको तुषार? कोला बीच गोवा, ओह सॉरी। ऐसा इसको दबा के आप थोड़ा पीछे हो सकते हैं अगर ठोकने जाएंगे तो। कैसे लग रहा है ये नज़ारा? वाह वाह, निर्मिति जा रही है उजाले की तरफ। कमेंट करके बताइए आपको अच्छा लगा, और कमेंट करके बताइए आप यहाँ पे आना चाहते हैं या नहीं। लव माय सब्सक्राइबर्स, इट्स सो फैसिनेटिंग।
ये सिर्फ आपको गोवा में ही मिलेगा कोला बीच पे। तो ऐसी जगह पे आप ज़रूर आइएगा, एक बार तो विजिट कर सकते हैं इस ब्यूटी को। तो चले पापा, चलो चलते हैं। मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हम लोग रूम में आ गए हैं और कायकिंग करके बहुत थक गए हैं, तो मेरी मम्मी हमारे लिए कुछ बना रही है, तो चलिए देखते हैं। ये बन रही है मैगी और ये बन रही है मेरे पापा की फेवरेट चाय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी रात हो गई है और हमें डिनर करना है, तो हम लोग आए हैं फातिमा होटल में और मैं आपको पहले होटल दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे बोर्ड लगे हुए हैं और ये है फातिमा होटल। मेरे मम्मी पापा पहले से बैठ गए हैं, मैं जा रही हूँ अभी, और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गया हम लोग को, 9:45 बज गए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए इसका और एक पार्ट भी बनाया जिसमें हमने बाकी के पॉइंट्स कवर किए, तो वो व्लॉग भी देखिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मस्ती भरे व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।